मित्रों नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रशासनिक सुधार। आज के इस व्याख्यान में मैं प्रशासनिक सुधार का अर्थ, उसकी आवश्यकता, विद्वानों का क्या उसमें मत रहा है, उस पर मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले है कि प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्यों में परिवर्तन आता है, तो उसी के अनुसार जो लोग हैं उनकी उनकी इच्छाओं में, उनकी आवश्यकताओं में, उनकी अपेक्षाओं में भी परिवर्तन आता है। और वहाँ से भी अगर हम कहें तो जो मांगे हैं, जो इच्छाएं हैं वो आती हैं। दूसरा है कि जो वर्तमान पद्धति होती है, जो वर्तमान प्रशासनिक ढांचा होता है, वह जब उसमें कुछ इस प्रकार की कमियां आ जाती हैं या बुराइयां आ जाती हैं जिनको कि दूर करना आवश्यक होता है, तो इन संदर्भों में प्रशासनिक सुधारों की मांग आती है। प्रशासनिक सुधारों का जो अवधारणा रही है, बेसिकली ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है प्रशासन का, वो है कि भाई कुशलता हो। कुशलता किस प्रकार से लाई जा सकती है या कुशलता में किस प्रकार से अधिकाधिक वृद्धि की जा सकती है, ये एक महत्वपूर्ण आधार प्रशासनिक व्यवस्था का रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यदि हम परिदृश्य देखते हैं, तो यहाँ पर एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कि हमें तीव्र परिवर्तन दिखलाई देता है। यह परिवर्तन जहाँ पर जो ये दो विश्व युद्ध हुए थे उनके परिणाम स्वरूप जो वैश्विक स्तर पर परिवर्तन आया, और उसी के साथ साथ जो कॉलोनीज हुआ करती थी, उन कॉलोनीज से जब मुक्त होकर बहुत सारे नए राष्ट्र बने, और उन राष्ट्रों के अपनी जो चुनौतियां थी वो जब सामने आई, तो ऐसे इस परिस्थितियों में जो परिवर्तन है या जो चुनौतियां हैं उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। तो अब जो ये परिवर्तित दृष्टिकोण है, इस परिवर्तित दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप जो समाज में जटिलताएं आए, क्योंकि सामाजिक परिदृश्य बदला और सामाजिक परिदृश्य बदलने के साथ साथ जो जटिलताएं हैं उनका अगर हम कहें वो बदली, और वो जो बदलता हुआ परिदृश्य है उस परिदृश्य के परिणाम स्वरूप भी ये महसूस किया जाने लगा कि जो प्रशासनिक तंत्र है उसको किस प्रकार से सक्षम बनाएं, जो कि ये उभरती हुई चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन पर वह खरा उतर सके। तो इसके लिए इसमें प्रशासनिक सुधारों की मांग की जाने लगी। लेकिन अगर हम प्रशासनिक सुधारों को इससे पूर्व इसका विश्लेषण देखें, तो इसकी आरंभ जो है वह 18वीं सदी से ही हमें देखने को मिल जाता है कि जब औद्योगिक प्रक्रिया आरंभ हुई है तो उस औद्योगिक प्रक्रिया के तहत ही इस प्रशासन में सुधार की मांग और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। क्योंकि जो औद्योगिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था है, जो समाज का स्वरूप है, जो प्रशासन का ढांचा है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, क्योंकि परिस्थितियां बदलने लगी थी। 19वीं शताब्दी में भी इन प्रशासनिक सुधारों के ऊपर कार्य हुआ। पर अगर हम जो इस क्षेत्र में जो प्रमुख विद्वान रहे हैं उनमें सभी, अगर इसको हम कहें कि बहुत सारे जो देश हैं उनके विद्वानों ने इन प्रशासनिक सुधारों पर जहाँ पर इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसमें जो प्रमुख रूप से हैं फ्रांस के केजी रुडोल्फ एरोने हैं, इसी के साथ इसमें इंग्लैंड के जो चार्ल्स बेबेज हैं, अमेरिका की एफ डब्ल्यू टेलर हैं, हेनरी लॉरेंस हैं इसमें, और फ्रांस के अगर एक और इसमें विद्वान हैं हेनरी फेयोल। तो ये जो विद्वान हैं, ये विद्वान वो हैं जिन्होंने इस बात पर बल दिया था कि प्रबंधकीय सुधार हेतु अगर हम कहीं जो प्रारंभिक चिंतन है एवं अनुसंधान है उसकी नींव डाली थी। क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ों का प्रबंध किया जाए,
वो प्रबंध किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे कि कार्य कुशलता में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो और बेहतर हम कहें उसका जो परिणाम है वो निकल कर सामने आ सके। तो जो इन्हीं संदर्भों में जो प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया है वो 18वीं शताब्दी से आरंभ हो चुकी थी और 18वीं शताब्दी से ही वह धीरे धीरे चलकर 19वीं शताब्दी में जब हम बात करते हैं तो वह एक गति पकड़ चुकी है। प्रशासनिक सुधारों पर जो प्रमुख रूप से बल दिया जाता है वह है कि ये जो प्रशासनिक सुधार है ये किस किस स्तर पर किए जाएं, अर्थात प्रशासनिक सुधार संगठनात्मक स्तर पर किए जाने चाहिए और उसी के साथ जो प्रशासनिक प्रणाली है उसमें सुधार किए जाएं और जो प्रशासनिक मशीनरी की कुशलता है उसमें वृद्धि की जाए। क्योंकि प्रशासनिक सुधार का अर्थ केवल संगठन में केवल या केवल प्रक्रिया में सुधार लाया जाए तो वो संपूर्ण सुधार नहीं हो सकता। उसके लिए इन तीनों पर एक साथ अगर हम कहें सुधार लाया जाएगा तो तभी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। प्रशासनिक चिंतन का, अगर प्रशासनिक सुधार के चिंतन की हम बात करें, इसके का आरंभ कहाँ से हुआ है, इसका उदय कहाँ से हुआ है, तो इसमें जो सबसे पहले या जो एक इसकी एक अगर हम कहें प्रक्रिया रही है उसमें जो पेमरलवादी समूह है वो प्रमुख रूप से इसमें जाना जाता है। ये लगभग बात है 1700 के आसपास का समय है जब ये चिंतन आरंभ हुआ है, क्योंकि इसमें जो जर्मन विद्वान है उनका जो एक समूह है उनके द्वारा कुछ अध्ययन किए गए थे और बेसिकली ये जो अध्ययन थे वो राज्य वित्त को लेकर गहरे अध्ययन किए जा रहे थे कि किस प्रकार से जो वित्तीय प्रशासन है उनमें सुधार लाया जा सकता है। और ये जो विद्वानों का समूह था, इस समूह ने इस संबंध में अपने बहुत ही मूल्यवान सुझाव रखे थे और ये जो ग्रुप है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने इस बात पर बल दिया था कि किस प्रकार से उन वित्तीय प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है, उसे और प्रभावशाली बनाया जाता है और इस समूह को ही कैम्बरवादी समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण विद्वान का नाम जिसे का नाम मैं इसमें लेना चाहूंगी जो जॉर्ज रिल्की थे, उन्होंने एक समूह के रूप में राज्य वित्त पर अपने बहुत सारे लेख भी लिखे थे और उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उसमें कम से कम 500 के आसपास उसमें वित्तीय प्रशासन से संबंधित थे। तो अगर हम प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो वित्तीय प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो चुकी है। लेकिन जब हम इसे बात करते हैं तो प्रशासनिक तंत्र के में सुधार की बात करते हैं, कुशलता में वृद्धि की बात करते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वह वैज्ञानिक प्रबंध का है। क्योंकि यही वैज्ञानिक प्रबंध है जिसने इस बात पर बल दिया कि जो प्रबंध संबंधी अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए प्रबंध में विज्ञान का प्रयोग किया जाए, विकास किया जाए। क्योंकि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सामान्य प्रकृति की ना होकर भिन्न भिन्न प्रकृति की होती हैं, इसलिए उन भिन्न प्रकृति की समस्याओं को समझने के लिए उनका विश्लेषण और उनका समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसलिए इन्होंने कहा जो परंपरागत विधियां हैं उनके स्थान पर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए और उसका आधार इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को बताया। इस वैज्ञानिक प्रबंध को जो आरंभ किया गया उन आरंभ करने वाले विद्वानों में अगर हम देखें तो इसमें एच एल पर्सन है, जॉन्स है, एच पी केंडाल है और उसके बाद में एफ डब्ल्यू टेलर है। इन विद्वानों ने जहां पर इस वैज्ञानिक प्रबंध को आरंभ किया था तो वहीं पर जो एफ डब्ल्यू टेलर है, फ्रेडरिक टेलर है, उनके द्वारा इसकी नींव डाली गई और इसको हम कहें वो उसके फादर के रूप में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयोग किए गति और समय को लेकर किए और किस प्रकार से, चूंकि वो पेशे से खुद एक इंजीनियर थे तो वो इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते थे, तो उन्होंने सारे ये अपने अध्ययन किए और ये अध्ययन उन्होंने लंबे समय तक किए और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने कहा था कि जो तथ्यात्मक आधार पर प्रबंध प्रविधि वो उन्होंने एक स्थापित की थी और वो उसे स्थापित करने में सफल रहे और उन्होंने उस प्रविधि में
दो चीज़ों पर बल दिया था। अब ये जो दो चीज़ें थी उसमें था उन्होंने जो रखा कि किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि की जाए, और दूसरा जो अच्छे श्रमिक संबंध है उन्हें स्थापित किया जाए, क्योंकि जो पूंजीपति होता है उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो किस प्रकार से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कराए, और दूसरी चीज थी कि जो अच्छे संबंध है श्रमिकों के और पूंजीपतियों के बीच में वो कैसे बने। एफ डब्ल्यू टेलर ने जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला था कि जो उत्पादन में वृद्धि का आधार है वह श्रमिकों के द्वारा अधिक श्रम उत्पादन ही न होता है, बल्कि एक और उन्होंने इसमें जो मैनेजमेंट की बात कही उन्होंने कहा कि जो श्रमिक और मशीन के जो समय का अपव्यय होता है उसको रोककर उन दोनों में समुचित समन्वय किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से उत्पादनता में वृद्धि होगी। और इसी के ऊपर एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा बल दिया गया था। और एफ डब्ल्यू टेलर की यदि हम बात करें उनका जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसकी हम बात करें तो उसका सार जो है वो मानसिक क्रांति है। वो कहते हैं कि जो नियोजक है और जो नियुक्त है उन दोनों के जो मेंटल लेवल में परिवर्तन है वो आना चाहिए, और तब ये परिवर्तन आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए जो वो दोनों के में बात करते हैं कि यहाँ पर जो श्रमिक है और जो नियोक्ता है उन दोनों के मध्य संघर्ष नहीं होकर बल्कि बहुत ही अच्छे संबंध होने चाहिए, तो ये जो अच्छे संबंध होंगे ये उत्पादनता में वृद्धि करेंगे, तो और ये जो संबंध है वो निश्चित रूप से दोनों के लिए बेहतर होंगे। जब वैज्ञानिक प्रबंधवाद में इन कुशलता दर वृद्धि को लेकर अपने प्रयोग कर रहा था निष्कर्ष कर रहा था, क्योंकि एफ डब्ल्यू टेलर के बाद जो उनके अनुयायी थे उनके द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था, तो उसे के अगर हम कहें बाद की जो परिस्थितियां हैं वहां पर ये महसूस किया जाने लगा कि ये जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं पर जो श्रमिक हैं जो काम करने वाले हैं उनको एक मशीनों के रूप में देख रहे हैं, वो उन्हें मशीनों का पुर्जा की भांति काम कराकर अधिक से अधिक उत्पादन कराना चाहते हैं। उसी समय पर जो एल्टन मेयो का मानवीय संबंध अप्रोच है उसका अगर हम कहें उदय हुआ या उसके पश्चात उसका विकास होता है, क्योंकि जहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध ने उत्पादनता में वृद्धि कुशलता में वृद्धि पर बल दिया और मनुष्य को एक मशीन की भांति काम करने वाला और किस प्रकार से जो है वह अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता उस पर बल दिया, वहीं पर मानवीय संबंध जो अप्रोच है जिसे एल्टन मेयो के द्वारा आगे बढ़ाया गया था उस पर उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वह उसे केवल एक मशीन की भांति ही ना देखकर देखा जाए बल्कि उसके ऊपर और किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात ये एल्टन मेयो के द्वारा कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया गया, क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां हैं उसमें जो मजदूर हैं जो श्रमिक हैं उनको दयनीय दशाओं में काम कराया जा रहा था, कम मजदूरी पर काम कराया जा रहा था और अधिक से अधिक उत्पादनता की बात की जा रही थी। ये उस समय का जो परिदृश्य है जो कि देखने को संगठनों में पाया जाता था। यहाँ पर जो मेयो है जब एल्टन मेयो ने अपने प्रयोग किए उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। उन जो निष्कर्षों में उन्होंने कहा कि जो भौतिक वातावरण है भौतिक वातावरण जो जहाँ पर कि श्रमिक काम करते हैं उस भौतिक वातावरण की अपेक्षा जो कर्मचारियों के कार्यों पर जो परिणाम पर मनोवैज्ञानिक और जो सामाजिक वातावरण होता है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने देखा अपने प्रयोग में कि जो उन्होंने प्रयोग किए थे विभिन्न प्रकार के उन्होंने प्रयोग किए तो उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसमें केवल भौतिक वातावरण का प्रभाव न पड़के क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक समूह का अंग होता है उसका प्रभाव उसके मनोविज्ञान का प्रभाव जब वो समूह के रूप में रहता है तो उसका प्रभाव उसके कार्यों पर पड़ता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने एक
एल्टन लियो ने एक और अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने कहा था कि जो उत्पादकता, जो प्रोडक्शन है तथा कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में तथा कर्मचारियों के सहयोग में एक धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, कि ये जो पॉजिटिव रिलेशन है उसको भी एल्टन लियो ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध किया था। वो कहते थे कि जो फैक्ट्री है बेसिकली ये एक सामाजिक पद्धति है तथा कार्य स्थिति में जो अनौपचारिक समूह या मानव आचरण जो होता है वो अत्यधिक प्रभावित करता है। अर्थात जो मनुष्य है वह उन कितनी अच्छी या कम परिस्थितियों में काम कर रहा है, उन्होंने अपने प्रयोगों में जो प्रकाश है उसको भी कम और अधिक करके देखा, उन्होंने विश्राम को देकर देखा और उन्होंने अपने प्रयोगों में ये निकाला था कि ये सारी चीज़ों का उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि ये जो सहसंबंध पाया जाता है, ये जो संबंध है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण का, ये प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जा होता है बजाय कि दूसरे प्रभावों के। और जो ये हाथोन प्रयोग रहे, ये हाथोन प्रयोग इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं कि इन्होंने पहली बार उन सामाजिक तथ्यों की खोज की थी जो अब तक अगर हम कहें प्रयोग के लिए या उनकी जो निग्लेक्ट वो रहे थे प्रयोगों में, उनको उन्होंने स्थापित किया कि किस प्रकार से किसी भी संगठन में यदि हम उसमें आने वाली समस्याओं को या उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए उन वहाँ पर जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको अपनाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार यदि हम प्रशासनिक सुधारों का जो चिंतन रहा है, प्रशासनिक सुधारों की जो नींव पड़ी है उसका जो विकास है, जहाँ पर वो 17वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी से आरंभ हो चुका है, 19वीं शताब्दी में उसने गति पकड़ी है, तो अगर हम कहें 20वीं शताब्दी में जो प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है वहाँ पर संगठनों में भी परिवर्तन आ रहा है और इन संगठनों में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो इन परिवर्तनों को किस प्रकार से समझते हुए जहां पर जो श्रमिक हैं उनकी स्थितियों को बेहतर बनाया जाए, उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि की जाए और जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग है और जो पूंजीपति है, उन दोनों के बीच किस प्रकार से बेहतर संबंध बनाते हुए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और कार्य कुशलता में वृद्धि की जाए। और ये जो प्रयोग है इन्होंने निश्चित रूप से जो प्रशासनिक सुधार है उसको आधार प्रदान किए, क्योंकि जब हम प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि प्रशासनिक सुधार में जहाँ पर संरचना में परिवर्तन की बात है, वहाँ पर सुधार की बात है, तो वहीं पर वह दूसरी चीज़ है कि जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन लाया जाए। और ये जो संगठनात्मक आधार पर परिवर्तन की बात है, ये तीनों तभी लाए जा सकते हैं जो जब ये जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों का आवश्यकता अनुसार, यहाँ जो मैं फिर दोहराना चाहूँगी, आवश्यकता अनुसार कुशलता में भी वृद्धि हो, मानवीय संबंधों को भी बेहतर बनाया जाए, जो कर्मचारियों और पूंजीपतियों के मध्य जो संबंध है वो भी बेहतर बने रह सके, और जब इन आधारों पर प्रशासनिक सुधार होगा तो निश्चित रूप से न केवल वहां पर उत्पादनता में वृद्धि होगी, ना केवल उत्पादनता में वृद्धि होगी, कुशलता में भी वृद्धि होगी, और जो मनुष्य है वह मनुष्य केवल एक मशीन का पुर्जा मात्र ना समझकर उसे एक मनुष्य की भांति, उसको साथ अगर हम कहें व्यवहार करते हुए जो उत्पादन किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो और अधिक इन प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण आयामों को जोड़ेगा, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक
वैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इनको समझने के पश्चात ही, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि भौतिक परिस्थितियां बेहतर कर दी जाएंगी तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो भौतिक वातावरण है वह उत्पादनता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, परंतु इसके साथ साथ जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसको भी समझने की आवश्यकता है। और जब इनके सारे समझ को लेकर एक साथ चला जाएगा तो जो प्रशासनिक सुधार, जिसे हम कहें इसमें चहुमुखी सुधार की हम बात कर सकते हैं कि उसमें समग्र सुधार, तो ये जो समग्र सुधार है ये संभव हो सकेगा। और जब ये संभव होगा तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, जो उन नीतियों को बनाया गया है, जिन लक्ष्यों को लेकर संगठन चला है, उनकी प्राप्ति संभव हो सकेगी। और निश्चित रूप से वहाँ पर जहाँ पर जो पूंजीपति है उसके दृष्टिकोण से उत्पादनता में वृद्धि होगी, वहीं पर श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन की सुविधा उपलब्ध होगी, उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको समझा जाएगा। और इस प्रकार से जो प्रशासनिक सुधार है उन्हें व्यवस्थाओं में लाया जा सकता है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के संदर्भों को ग्रहण करते हुए ही, उनको अगर हम कहें कंसीडर करते हुए भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो ये संदर्भ हैं उन्हीं संदर्भों में ही प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। और उसकी जो है निश्चित रूप से जो अपेक्षित परिणाम है वो निकल कर सामने आएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।